जैन फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे कि मैथ्स की कुछ ट्रिक है। ठीक है, तो मैथ्स की ट्रिक में मतलब ये है कि हमारे पास स्क्वायर वर्ग, हमें वर्ग फाइंड करना है। वर्ग का मतलब होता है वर्ग याद करना, लेकिन यहाँ पे जिसके अंत में 5 होगा। ठीक है, तो वर्ग का मतलब बेसिकली क्या होता है? वर्ग का मतलब ये होता है बेसिकली, जैसे कि हमारे पास ये है कि 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 बार लिख लेंगे इसे, 2 गुणा 2 4 आ गया। और जैसे 3 का स्क्वायर है, क्या करेंगे? 2 बार लिख लेते हैं, उसको गुणा कर लेते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम जो करेंगे कैसे करेंगे देखो, तो हमें वर्ग याद करना है जिसके लास्ट में 5 हो। तो वर्ग कैसे करते हैं कि जो हमारे पास 5 है, 5 5 का क्या हो गया 25, और जो 0 है इससे 1 बढ़ा दो, तो क्या आगा? बढ़ के 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आगा। चलो 0 लिखो मत, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तुम्हें ठीक से समझ में आएगा कि 5 5 25, जो ये 5 है इसका आपको क्या करना, 25 कर देना है। और जो 1 है, 1 से नेक्स्ट वाला से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देनी, 1 2 कितना होगा 2, फिर 5 5 कितना हो गया 25, 2 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3 से करेंगे, तो 2 3 6। और इसकी इसके हम करेंगे तो क्या होगा, 35 की 5 की 5 5 25, और जो 3 है 3 4 12, और 5 4 किससे करेंगे 5 से, मतलब एक नेक्स्ट से करना है। 4 5 कितना हो गया 20, इस 5 की 25 ऐसे लिख दिया ना, 5 5 की 6 में करेंगे, 5 6 30 होगा, 5 6 30 हो गया। अब यहाँ पे 5 5 25 और 6 7 42, 5 5 25 और 7 7 8 में करेंगे, 8 7 56, 5 5 25 और 8 9 72, इसके तुम अपना आप करोगे तो क्या होगा, 95 का स्क्वायर क्या होगा, अपना आप बताओगे। चलो इसको देखते हैं, ये तो हो गए डिजिट्स 2, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास 3 है, 1 2 3, यहाँ कैसे करेंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल 5 को लो, 5 का क्या हो गया 25 हो गया। और जो 10 है, 10 को इसका नेक्स्ट वाले मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, तो 10 की 11 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 110 आएगा। और इसकी 5 5 25, 5 5 25 हो गया, 11 किस में करेंगे मल्टीप्लाई, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 12 में, तो 11 के 12 की मल्टीप्लाई क्या करके, देखो ध्यान से सुनना, 11 की 12 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो 11 और 12 12 ढाई 120, 120 और 12 120, 12 132, फिर इसके क्या आगे 5 5 25 हो गया, फिर 12 की 13 में करेंगे मल्टीप्लाई, 12 की 13 में करेंगे, तो 12 की 13 में करेंगे तो 12 ढाई 120 और 12 के 36, 120 और 36, 120 और 36 ये होगा तुम्हारा 156, कितना होगा 156, 135 से करेंगे हम कितने, 5 5 25 और 13 की 14 में करेंगे, 13 की 14 में, 13 की 14 में, 13 130 और 13 4 52, 120 52 72, तो ये हो गया 172। फिर यहाँ करेंगे इसकी, ये तुम अपना आप करके दिखाओगे मुझे, 145 का वर्ग अपना आप दिखाओ करके। चलो एक काम करते हैं, कुछ दूसरी ट्रिक है, दूसरा मेथड ये है कि हमारे पास हु कैन डू फास्ट, कौन पहले कर सकता है, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करके वैसे तुम करोगे नॉर्मली, करोगे नॉर्मल तो तुमसे करना आता है, लेकिन नॉर्मल नहीं करा रहा मैं। जैसे 36 है, तो 36 को लिख लिया मैंने 2 गुणा 18, कोई दिक्कत, 18 2 36 हो जाएगा। तो अब ये इतना क्या होता है, इसकी गुणा क्या आती है हमारे पास, इसकी गुणा आती है 324, क्या आ गई 324, और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 648 आ जाएगा। ठीक है, 648 आ जाएगा हमारे पास। अब इसकी गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो 3 गुणा कितना करेंगे 18 लिख लेंगे, और 18 18 18 गुणा क्या आती है, ये सबको पता है वर्ग, 18 का वर्ग क्या होता है 324 होता है, 324 की गुणा करेंगे तो कितना आगा, 3 3 9 24 72, 972 आ गए। ठीक है, गुणा कर दिया, इसकी गुणा तो अपना आप करके दिखाऊंगा मुझे क्या आएगी। ठीक है, 72 के 18 मल्टीप्लाई क्या ही करेंगे बताना। चलो एक बार और बताता हूँ कि स्क्वायर फाइंड करना जिनका अंत में 5 हो, तो जो 5 है, 5 का 25, और जो तुम्हारे पास 0 है तो 1 बढ़ा के लिखेंगे, लेकिन उसको गुणा करेंगे 1 में, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 0 के बाद में क्या आता है 1, तो 1 की 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कोई दिक्कत ना, यहाँ लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझो 5 5 25, इस 5 का क्या आ गया 25 आ गया, और जो ये तुम्हारे पास 1 है नेक्स्ट नंबर में 2 2 2, 5 5 25 इसकी किससे करेंगे 3 से, 3 2 6, 5 5 25, 3 4 12, 5 5 25, 4 5 20, इस तरह से हमने सारे फाइंड कर लिए। तो आप मुझे 95 का स्क्वायर और 145 का स्क्वायर और ये 72 गुणा 18 करके दिखाओगे।